चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल और इजी और डिलीशियस चॉकलेट केक बनाना, जो केक बनाना नहीं भी जानते वो भी बना लेंगे। तो मैं आपको ऐसे तरीका बताऊंगी और मिक्सी में हम फेंटेंगे, इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़्यादा मेजरमेंट की जरूरत नहीं। घर में जो हमारे पास कप होते हैं उसका मैं आपको बताऊँगी कैसे आपने लेना है। तो मेजरमेंट आप ठीक रखेंगे और मैं इसको ओवन में बनाऊंगी, तो आप देखेंगे कि आपका केक एकदम परफेक्ट बना है, आप बिल्कुल गलती नहीं होगी आपसे बनने में। तो ये मेरा बहुत ही मतलब इजी और अच्छा केक बनेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे घर में हमारे पास एक ये टी कप होते हैं और एक ये होते हैं, कई साइज़ होते हैं और एक ये होते हैं। तो मैं इतना जो आप बिल्कुल छोटा भी ना लें और बहुत बड़ा भी ना लें, जो मीडियम साइज़ के कप होते हैं ये वाला, ये हम लेंगे। मैदा इससे मेज़र करेंगे और ये होते हैं घर में होते हैं, ये जो ये होते हैं टेबल स्पून बड़े वाले, ये टेबल स्पून हम कोको पाउडर डालेंगे इसका यूज़ करेंगे। ये टी स्पून होते हैं, ये हम जो चाय के चम्मच बोला जाता है, तो ये इससे हम बेकिंग पाउडर वगैरह डालेंगे। और एक हमारे पास ये मेजरिंग कप होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, जो आप यूज़ करें सेम वही चीज़ें आप उसी के साथ आपको मेजर करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ये वाला कप ले रही हूँ, तो मैं इसमें 1.25 कप मैदा लूँगी, ये वाला लिया मैदा, और हम इसमें 1 टेबलस्पून बड़ा वाला जैसे ये है हमारे पास कड़छी, एक ये डालेंगे, ये हो गया 1.25 कप हमारे पास। अब हम डालेंगे इसमें ये 2 टेबलस्पून ये कोको पाउडर है, चॉकलेट केक बना रहे हैं तो ये देखिए 1 ये 2 टेबलस्पून है, ये हमारे ये 1.5 कप हो गया हमारा, ये 1.5 कप हो गया हमारा टोटल मैदा और कोको पाउडर। जो भी आप कप से मेजरमेंट करेंगे तो सेम वही कप आप भेजेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये टी स्पून होता है जो, और एक ये हमारे को मेजरिंग वाला टी स्पून मिलता है, 1 टी स्पून मैं डालूँगी इसमें बेकिंग सोडा, ये और 1 टी स्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून के जो चम्मच का आगे का हिस्सा होता है उतना सा नमक यानी चुटकी भर नमक डाल देंगे। और हम इन चीज़ों को छान लेते हैं, मैदा कोको पाउडर और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और हमने नमक डाल के छान के रख लेंगे, ये हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सी जार लेंगे थोड़ा वाला, ये हमें चाहिए 2 अंडे, इसमें मीडियम साइज़ के अंडे लेने, बहुत बड़े नहीं हैं, 2 ही चाहिए। और इसमें डालेंगे 1 टी स्पून वनीला एसेंस, अब जो हमने मेजरमेंट के लिए मैदे के लिए लिया था कप वही हम 3/4 कप इसमें शुगर लेंगे यानी कि चीनी, ये आप देख सकते हैं। ये वाला कप हमने 3/4 कप हमने ऑयल लिया तेल, तो ये सब ही आप तेल ले सकते हैं। अब हम इसको मिक्सी में एक बार 30 सेकेंड या 1 मिनट चला लेते हैं। ये देखिए मैंने 1 मिनट इसको मिक्सी में ब्लेंड कर लिया, अंडे चीनी ऑयल और वनीला एसेंस, अब ये हमारी चीज़ें तैयार है। अब इसके बाद हम अपने टीम तैयार करेंगे। ये देखिए आप कोई भी अमोनियम या सिलिकॉन का मोल्ड ले सकते हैं जैसे आपको पसंद है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऐसे इसके साइज का पेपर काट लेंगे, बटर पेपर ना हो तो आप ब्राउन पेपर भी रख सकते हैं, उसमें ऑयल लगाएंगे, पहले इसमें नीचे ऑयल लगाएंगे ताकि हमारा ये पेपर टूट जाए। इसके चारों तरफ भी ऑयल लगा दिए,
अब हम इतना एक चम्मच के करीब मैदा लेंगे और इसको ऐसे घुमाते हुए थोड़ा सा और मैदा लेते हैं, इसको घुमाते हुए चारों तरफ से इसको कोट कर लेंगे ताकि हमारा केक चिपके ना। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया 180 डिग्री पर। ये देखिए हमारी ये टीन तैयार हो गया और ये हमारी सारी चीज़ें तैयार होगी। जो हमने मिक्सी में लिक्विड बनाया था वो हम एक बाउल में निकालते हैं। सिर्फ हमें ज़्यादा नहीं इसको बीट करना, सिर्फ जस्ट इसकी चीनी और सारी चीज़ें मिक्स हो गए। देखिए हमारी ये कस्टर्ड की तरह गाढ़ा हो गया। हमें चाहिए आधे से आधे कप से थोड़ा सा कम मिल्क जो इसमें हम डाल के जो इसमें लगा हुआ है वो निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैदा हुआ मैदा और कोको पाउडर का मिक्स वो इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे बीच में से काटते हुए और घुमाते हुए इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब हमने चीज़ें मिक्स कर दी हैं तो ये हमारा अभी गाढ़ा है बैटर। तो हम ये जो हमने आधे कप से यानी 2 टेबलस्पून के करीब दूध लिया था वो इसमें मिक्स कर देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसमें कुछ डालना चाहें जैसे चॉको चिप्स वगैरह या चॉकलेट वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मेरे को प्लेन बनाना आपको बता रही हूँ सिंपल केक के लिए। अभी 1 मिनट और लगेगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो गया। बस ऐसा होना चाहिए, ऐसे गिरना चाहिए। और जो हमने टीन तैयार करा था अब हम इसमें इसको पोर कर देते हैं। ये देखिए सारा बैटर हमने इसमें डाल दिया, पोर कर दिया यानी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टैप करेंगे ताकि ये हमारा बैटर बराबर हो जाए और जो हवा है वो भी निकल जाए। अब अगर आप चाहें तो इसमें वॉलनट वगैरह या बादाम वगैरह भी ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे आपको प्लेन केक बना दूँ। अब मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ। 180 डिग्री पर अपने ओवन को 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। अब हम इसको 40 मिनट के लिए रखेंगे बेक होने के लिए। अपने अपने ओवन पे डिपेंड करता है, कोई 35 मिनट में होते हैं, कहीं 40 मिनट्स में होता है। तो मैं अभी फिर जब 35 मिनट हो जाएंगे फिर देखूंगी, तो 40 मिनट्स में तो बन कर तैयार हो जाता है। तो मैंने रख दिया, अभी 40 मिनट के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। 40 मिनट हो चुके हैं पूरे इसको, अब हम खोल के देख लेते हैं। आपको ये कांटा ले सकते हैं, फोक जिसे बोलते हैं, और ये कोई ऐसे स्क्वायर ले के आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये क्लियर निकल आता है तो ये हमारा देखिए बिल्कुल क्लियर निकला है, ये हमारा केक बनकर तैयार है। ये देखिए अब हम इसको बंद कर देते हैं अपने ओवन को और इसको 5 मिनट इसमें पड़ा रहने देते हैं, फिर हम इसको ठंडा करके निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। 40 मिनट मैंने इसको बेक करा केक को, चॉकलेट केक को, फिर हमने 5 मिनट उसको ओवन में पड़ा रहने दिया। अब इसको बाहर निकाल के रखा, इसका बटर पेपर निकाल दिया और डिश आउट कर दिया इसको हमने। अब निकाल दिया, अब थोड़ा 5-10 मिनट और ठंडा हो जाता है, फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये सिंपल और प्लेन केक बनकर हमारा तैयार है। चॉकलेट केक और बिगनर्स जो सीखना चाहते हैं अगर इस मेथड से और मेरे से बनाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक बनेगा, परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी, फिर देखेंगे अंदर से कितना मॉइस्ट बना। केक हमारे ठंडा हो गया, अब हम इसको काट के आपको दिखाते हैं। अगर आप चाहें तो इससे आप चॉकलेट सॉस या चॉकलेट गनाश कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये प्लेन बनाना सिखाया केक चॉकलेट केक, तो इसलिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं लगा रही। ये देखिए बड़ी इजी कर देता, ये आप देख सकते हैं कितना हमारा स्पंजी और अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट केक बनेगा। आप इस मेथड से बनाइए और अगर मैं आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। ऐसी ऐसी मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपको सिखाती रहूँगी। धन्यवाद।